सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं दांतों को मोती जैसा सफेद करने व चमकदार बनाने का आसान घरेलू नुस्खा लेकर के आया हूँ, जिसके उपयोग से आप अपने दांतों को सफेद व चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, आजकल पीले दांतों को सफेद करने के लिए मार्केट में अनेक वैरायटी के टूथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स और टूथपेस्ट उपलब्ध हैं, जो ये दावा करते हैं कि इसके इस्तेमाल से आपके दांत मोती जैसे सफेद व सुंदर होने लगेंगे। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स महंगे तो होते ही हैं, और तो और इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हमें अपने मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाते। खाने पीने की गलत आदतों की वजह से दांतों पर पीलापन आ जाता है, जैसे कि जो लोग सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा खाना, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी दांतों का पीलापन आ जाता है। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आदि पीने से भी हमें दांत के पीलेपन की समस्या हो जाती है। अगर आप अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ नहीं करेंगे तो भी आपके दांत पीले व भद्दे दिखेंगे। दोस्तों, इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लाया हूँ जिससे आपको अपने पीले दांतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सफेद व सुंदर दांत हो तो मुस्कुराहट और भी अच्छी लगने लगती है। दोस्तों, अगर दांतों का रंग पीला हो जाए तो व्यक्ति किसी के सामने खुलकर हंसने से हिचकिचाता है, और ऐसे में अगर कोई पीले दांत देख करके हमें टोक दे तो काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो चलिए, अब मैं आपको ये आसान घरेलू नुस्खा बता देता हूँ जो आपके दांतों को मोतियों जैसे सफेद व चमकदार बना देगा। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 चुटकी सेंधा नमक की। तो दोस्तों, ये मैं 2 चुटकी सेंधा नमक ले लेता हूँ। ये दोस्तों सेंधा नमक है, आपको ये बाजार में आसानी से मिल जाएगा। ये मैं 2 चुटकी सेंधा नमक ले लेता हूँ। और दोस्तों, आपको 2 चुटकी पिसी हल्दी का प्रयोग करना है, तो ये मैं 2 चुटकी पिसी हल्दी भी ले लेता हूँ। 1, 2। अब दोस्तों, जो तीसरी चीज है वो है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी हम कहते हैं, आपको इसे भी ले लेना है। तो ये मैं 1/2 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल लेता हूँ। ये करीब 1/2 चम्मच इस तरीके से मैं सरसों का तेल इसमें डाल लेता हूँ। अब दोस्तों, आपको इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। ऐसे आप इसको मिला लीजिए, इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे इसका पेस्ट, ऐसे आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये इसका पेस्ट तैयार हो गया है। दोस्तों, उंगलियों की सहायता से आपको इसे अपने मसूड़ों और दांतों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है, फिर कुल्ला कर लीजिए। इस उपाय से दांतों का पीलापन तो दूर होगा ही, साथ ही हिलते हुए दांत भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को रोजाना प्रयोग करेंगे तो आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और दांतों में कभी पायरिया भी नहीं होगा। इसके अलावा आपके दांत भी पीले नहीं होंगे और मोतियों जैसे सफेद होने लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इस घरेलू नुस्खे का उपयोग आप जरूर करिए। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। 2 से 3 स्ट्रॉबेरी पीस कर पेस्ट बना लें और फिर दांतों पर लगाएं। इस उपाय से भी आपके दांत सफेद व चमकदार बनेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।